बताते हैं आज किस गाने का चूज हो रहा है आपका? सबसे पहले नमस्कार और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दर्शकों को, और आप सबको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए साल में हम लोग जो है फिल्म मैं तेरा लाडला का एक सॉन्ग बचा हुआ था जो आज यहाँ पे शूट कर रहे हैं बॉम्बे में, और ये हम लोगों का प्लानिंग भी था कि एक दो सॉन्ग बॉम्बे में करेंगे, तो आज उसका हम लोग शूट कर रहे हैं। जी, दोनों दो खूबसूरत चेहरे आपके साथ नजर आ रहे हैं जी, कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे में? देखिए, ऑलरेडी फिल्म में आपने देखा होगा रानी जी भी हैं और सोनालिका मैम भी स्पेशल सॉन्ग कर रही हैं इस पिक्चर में, और मैम लीड कर रही हैं ऑलरेडी, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है हम दो सीनियर एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं। मनी जी, आप क्या कहना चाहती हैं, क्या अनुभव था? नमस्ते सभी को, विजय जी के साथ पहला काम है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं लगता कि न्यू कमर है, बहुत मतलब अच्छे से ही काम कर रहे हैं, अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके। जी सोनालिका जी, आप बताइए, आप पहली बार काम कर रहे हैं। जी, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, और एक्चुअली मैं शॉर्ट देने के लिए जा ही रही थी, आप लोगों ने मुझे रोक लिया इनके साथ, काइंड ऑफ इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मेरे लाइफ का भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी स्पेशल सॉन्ग रहेगा फिल्म मैं तेरा लाडला, और आई गेस मेरा और मणि का कोई थोड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पक्का है जो हमने दो फिल्मों में साथ में काम किया और बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, और अभी मैं तेरा लाडला स्पेशल अपीयरेंस कर रही हूँ वाया दिस फिल्म, और बहुत अच्छा लगा, अभी तो इनके साथ मैं करूँगी काम, तो फिर बाद में रिवर्ट करूँगी। विजय, क्या प्लान है मैं तेरा लाडला के बारे में, कब तक आ जाएगा? मैं तेरा लाडला हम लोग होली पे रिलीज करेंगे सर, होली की प्लानिंग है, क्योंकि अभी ये गाना कंप्लीट शूट कर लिया है पोस्ट प्रोडक्शन करके, फिर हम लोग होली में पूरा प्लानिंग है कि होली में हम रिलीज करेंगे पिक्चर को। जी, किरदार क्या है मनी जी आपका? यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा, मैं यहाँ पे एक जर्नलिस्ट बनी हूँ, और हाँ आप सबका प्रोफेशन मैं चूज कर लिया इस मूवी में, मेरा भी बहुत अच्छा लगा काम करके, और इसके जो स्टोरी मतलब मैं तेरा लाडला, मतलब मैं तेरा लाडला लाडला तो मतलब बच्चे माँ का ही होते हैं, तो इसमें माँ के साथ बच्चे का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो इसमें फरमाया गया है, बहुत अच्छा स्टोरी है। जी, पहली बार विजय कुमार बताओ हीरो बताओ लीड एक्टर आए हैं, इससे पहले उन्होंने बब्बर की थी, कितना पोटेंशियल आपको नजर आया, क्योंकि आपने सारे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, इस नए लड़के में कितना पोटेंशियल नजर आता? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनमें मतलब उनमें सीखने का एक दम है, मतलब मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है कि जब हम एक सीनियर एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं, और कोई चीज़ हमें हमेशा एक सीनियर से हम सीखते ही हैं, तो बहुत कुछ सीखना है मुझे अभी, अभी तो मैंने एक शुरुआत किया है जीरो से, और मैम से बहुत कुछ सीखा है मैंने, और आगे भी सीखते रहेंगे, सारे लोगों से सीखते हैं। गुड लर्नर, इनफैक्ट ये कहना चाह रहे कि ऑल एंड ऑल इज अ गुड लर्नर। जी, अच्छा विजय, ये तो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, साथ ही साथ डांसर भी बहुत अच्छी है, सारे बड़े लोगों के साथ डांस करते हैं, इनके साथ कदम मिलाना थोड़ा मुश्किल था? जी हाँ बिल्कुल, ये चीज़ तो पूछने की यही नहीं है, बिल्कुल मिलाना मुश्किल था, लेकिन हाँ कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम साथ में अच्छे से। हाँ चल तो रही है, लेकिन जब वो अनाउंसमेंट होगा तो मेरे ख्याल से मुहूर्त के टाइम पर वो बातें रिवील करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं तेरा लाडला से मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, उस टीम के लोगों के साथ काम कर रही हूँ, अजय गुप्ता सर के साथ काम कर रही हूँ, होपफुली हम मणि एक साथ और दिखें एक बार। एक्चुअल में हम लोगों ने एक पिक्चर अनाउंसमेंट किया था, जिंदगी प्यार की गीत है टाइटल, और मीडिया में भी आया था उसका, हम लोगों ने वो किया था, सारे टेक्नीशियन हमारे साइन है, एक्ट्रेस हमें साइन करने थे, तो इसका भी खुलासा हम बहुत जल्दी आप लोगों के साथ और साथ में ही काम करेंगे, ये है। जी, मतलब ये पूरी टीम एक बार बिल्कुल 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 एक साथ में नजर आएगी। विजय, आने वाली फिल्म क्या है? देखिए, आने वाली फिल्म मैंने आपको बताया कि जिंदगी प्यार के गीत है, उसके बाद में और भी प्लानिंग है, बट हम जो करते हैं उसी का नाम लें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तो मैं एक मूवी करने जा रही हूँ, फिलहाल न्यू ईयर का शुरुआत इस पैचवर्क से ही शुरू हुआ, बट इस बार मेरा 28 मूवीज़ एक साथ रिलीज़ होने वाला है, सो आई एम वेरी हैप्पी, एक साथ चार मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज़ हुआ है, तो बस होप फॉर द बेस्ट, आप लोग जितना आशीर्वाद और दुआ दे रहे हैं बस ऐसे ही बना के रखिए ताकि और मूवी करूँ। बस सारे लोगों को यही बोलूँगा सर कि जितना प्यार आशीर्वाद आप लोग यूट्यूब पर देते हैं, सोशल मीडिया पर देते हैं, यही प्यार आशीर्वाद आप नए लोगों के लिए या किसी भी स्टार के लिए, जो हमारे पवन जी और खेसारी जी, सारे लोगों को एक बार थिएटर में आप लोग जरूर जाइए, क्योंकि वो प्यार और आशीर्वाद थिएटर से मिलेगा तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा काम करने में। विजय कुमार जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, और सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ सर आप लोगों को, और हमारे सारे भोजपुरी दर्शकों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विजय भाई, आज क्या शूट कर रहे हैं आप? आज हम लोग मैं तेरा लाडला का दो सॉन्ग बचा हुआ था वो शूट कर रहे हैं हम लोग, और फाइनली आज कंप्लीट ये फिल्म हो जाएगी। जी,
या सेकंड शेड्यूल बोल सकते हैं, बट वो लेकिन सेकंड शेड्यूल क्या था, हम लोगों ने जान के भी दो सॉन्ग छोड़े हुए थे बॉम्बे करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी तो जरूरत था ना सर यहाँ पे मुंबई शूट हो रहा है जी। सबसे पहले तो हमारे फिल्म के डायरेक्टर अजय जी, जो आज के डेट में किसी नाम के तो है ही नहीं है, ऑलरेडी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट सर ने किए ही हैं, और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर प्रशांत सर फोर स्क्वायर ग्रुप के, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों के बीच में है, तो आज आप लोगों को बात करने का मौका भी मिलेगा। अजय जी, कैसी फिल्म है मैं तेरा लाड़ा, मैं आपसे डाउन जी। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं और आपको टाइटल के हिसाब से फिल्म के बारे में समझ में आ गया होगा, मैं तेरा लाडला। तो मैं तेरा लाडला माँ बेटे का क्या इक्वेशन होता है आज के डेट में, क्या रिश्ता छूटते जाता है या हम पकड़ के बैठे हैं, तो इन चीज़ों को, इन बारीकियों को दिखाने का कोशिश किया हूँ मैं। बाकी देखिए कहाँ तक सफल होता है, एक माँ को अपने बेटे से क्या एक्सपेक्टेशन होता है या उस बेटे को अपने माँ से क्या उम्मीदें होती हैं, और कहाँ हम छूटते हैं, कहाँ रिश्ते में ढीला होते हैं, कहाँ मेरी वजह से मेरे माँ की आंखों में आंसू आ जाता है, तो इन सारी चीज़ों को कोशिश किया हूँ कि स्क्रीन पे लाऊं। बाकी तो आपके ज़रिए हमारे दर्शक कितना पसंद करते हैं वो तो उनके हाथ पे है। अजय जी, पूरी टीम के बारे में, पूरी फिल्म से जुड़े हुए लोगों के बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो हमारी फिल्म के जो हीरो हैं विजय कुमार, छोटा भाई है मित्र के तरह, और तकरीबन 3-4 साल से हमारी मित्रता है, और इन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट आपको करना है तो किया, तो एज ए हीरो विजय इसमें लीड किया है, इनके साथ देने के लिए सह एक्टर जो हैं वो मणि भट्टाचार्या हैं, सपोर्टिंग कह सकते हैं स्पेशल सॉन्ग में रानी चटर्जी जी हैं, उसके बाद सोनालिका प्रसाद एक्ट्रेस वो भी हैं, फिर संजय पांडे हैं, माया जी हैं, प्रकाश जैस हैं, ब्रजेश त्रिपाठी हैं, मतलब लगभग सब सीनियर एक्टर हैं हमारे फिल्म में, और हमारे साथ हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर फोर स्क्वायर एंटरटेनमेंट के ऑनर और इनके मित्र इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा बैनर भी मिला और बहुत अच्छा प्रोड्यूसर भी मिला, प्रोड्यूसर के साथ साथ एक अच्छा दोस्त मिला इस फिल्म के ज़रिए। प्रशांत भैया, आप जो फोर स्क्वायर ग्रुप है बेसिकली रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है, बेसिकली मकान बनाना, जमीनें खरीदना, बेचना, ये इनका पेशा है, फिल्मों की तरफ रुझान कैसे हुआ? देखिए, रियल एस्टेट तो हम लोगों का पहला, ये फोर स्क्वायर ग्रुप है, इसके अंतर्गत हम लोगों की टोटल 12 कंपनीज चल रही हैं, हम लोग रियल एस्टेट के अलावा हर्बल्फ में भी हैं, जैसे पतंजलि है, ऐसे फोर स्क्वायर हर्बल्फ एक ग्रुप भी चल रहा है, साथ में रियल एस्टेट का भी काम है, और मेगा एंटरटेनमेंट करके अपना फोर स्क्वायर का है। विजय जी मिले थे, इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बताया, स्टोरी बताई, तो हम लोगों को भी लगा, क्या कहते हैं कि हम लोग को भी एंटरटेनमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि फोर स्क्वायर ग्रुप अकेले एक जगह बंध के नहीं रहने वाला है, वो चाहता है कि हम कई फैक्टर्स में काम करें, और ऊपर वाले की दया से आज लगभग 2 साल में फोर स्क्वायर का एक मुकाम हो चुका है पूरे यूपी में, धीरे धीरे हम हिंदुस्तान में फैल रहे हैं, हमारे स्टोर्स हर्बल्फ के बॉम्बे में भी खुले हुए हैं, नासिक में भी खुले हुए हैं, हरिद्वार में भी हैं, और केरला तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो हम लोगों का यह थीम है कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया जाए और ऑनेस्टी पूर्वक किया जाए, तो उसके बैनर तले एक एंटरटेनमेंट भी था आपका, मूवी का है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि इसमें भी सेक्टर में चला जाए। अजय जी, आप तो बड़े अनुभवी निर्देशक हैं, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स और फिल्मों को आप डायरेक्ट कर चुके हैं, बड़े बड़े एक्टर्स को आप अपने शॉट में नचा चुके हैं, नया अभिनेता है विजय कुमार, इससे पहले एक ही फिल्म की है, कितना पोटेंशियल नजर आता है बताओ हीरो, क्योंकि अब तो आपकी पूरी फिल्म कम्प्लीट हो चुकी है। जी जी जी, पोटेंशियल बहुत है और प्रयास भी बहुत करता है, तो जहाँ तक मैंने पढ़ाई किया है वहाँ ये लगता है कि अगर हम प्रयास करें और उसमें सच्चाई हो, सही लगन हो, तो सफलता कहीं ना कहीं मिलना यकीनन है। तो विजय में ये देखता हूँ कि लगन है, लगा रहता है ना, काम के प्रति, चीज़ों के प्रति, और सच पूछे तो ये प्रोजेक्ट को खड़ा करने में विजय कुमार का बहुत बड़ा हाथ है, ये प्रोड्यूसर नहीं है, ये फिल्म का एक्टर है। तो आज हमारे फोर स्क्वायर इंटरटेनमेंट ग्रुप के ऑनर से इन्होंने मीटिंग कराया, बल्कि इनके एक सेलिब्रेशन में मैं गया, बड़ा स्वागत हुआ, तो मुझे लगा कि इनके कहने पे लोग जुड़ते हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है, और इनका जो एक्साइटमेंट फिल्मों के प्रति है,
तो ये आगे बढ़ेंगे है, बस इसी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ काम करते चले। प्रशांत जी, आपने कहा कि फिल्म जो है विजय से मुलाकात हुई और ये फिल्म बनाने का ख्याल है, अब आपकी पिक्चर पूरी लगभग लगभग सब बन चुकी है, शूट हो गई है, आज शायद आखिरी दिन होगा। जी जी जी। जिस तरह की फिल्म आप बनाना चाहते थे, क्या अजय कुमार ने, क्या विजय ने उसी तरह की फिल्म बनाई, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं? जी हाँ, पूरे यूनिट से बहुत सेटिस्फाई हैं, चाहे विजय जी हों, चाहे अजय जी हों, चाहे हमारे मणि भट्टाचार्य हों, और चाहे हमारा पूरा यूनिट ही शानदार है, बेहतरीन है, पूरे लगन से काम किया है, 100% मैं सेटिस्फाई हूँ। सर, क्या इस ग्रुप के साथ, अगर ये ग्रुप बढ़िया कर रहा है तो क्या इसके साथ और फिल्में नहीं की जा सकती है? एकदम की जा सकती है, बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट भी होगी, जैसे ही आपका 14 के बाद अभी होने वाला है तो हम लोग एक या दो मूवी और करने जा रहे हैं, बट अभी बताया नहीं जा सकता। जी विजय भाई, इस फिल्म के लिए आपने क्या तैयारी की थी, क्योंकि पिक्चर के बाद बब्बर के बाद फिर ये दूसरी फिल्म आपने की बतौर लीड की, उसमें आप सेकंड लीड थे? जी हाँ, एक्चुअली में बब्बर में देखिए हमारे सुपरस्टार अरविंद अकेला खल्लू जी थे उनके साथ, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी एज ए एक्टर, और उनके साथ भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो कहीं ना कहीं यह था कि मुझे भी एक लीड फिल्में करनी चाहिए। और तैयारियां हम काफ़ी दिनों से हम लोग कर रहे थे, अजय सर से भी बहुत मीटिंगें होती थी, हम लोग काफ़ी जो है स्क्रिप्ट पे बहुत सालों से स्क्रिप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, साल भर किया, और लगता था नहीं कि जब इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो एक अच्छे प्रोजेक्ट को हम लोग बना सकते हैं, तो बहुत डिस्कस करने के बाद फाइनली किसी चीज़ को ना सर आप बनाते हो तो एक दिन उसका रिजल्ट तो आता ही आता है, और बाकी रिजल्ट देने वाली पब्लिक है। प्रोड्यूसर से जो सपोर्ट चाहिए था आपको जी, डायरेक्टर से, जैसा मैंने खुद देखा सेट पर अजय जी एक एक सीन करके सिखा रहे थे, बिल्कुल आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट मिला, बिल्कुल आपको इन्हें धन्यवाद जरूर कहना। बिल्कुल, मैं देखिए मैं पूरे यूनिट को सर, अजय सर ने स्पेशली मुझे करके दिखाया, मैंने इसके पहले भी पिक्चर की बब्बर, और आप लोगों ने देखा भी ऑलरेडी पिक्चर रिलीज है, कुछ डायरेक्टर्स हैं जैसे बताते हैं कि ऐसे आप कर लो, बट इन्होंने एक्ट करके दिखाया, एक्ट करके दिखाया, तो उसको मुझे करने में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसमें बहुत हमें सपोर्ट मिला, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है सर को, क्योंकि उतना शायद कोई किसी को नहीं बताता है जी। और रही बात फोर स्क्वायर ग्रुप की, तो सर वो सपोर्ट नहीं समझिए, सब कुछ मतलब उन्होंने ही किया जो किया मेरे लिए, और सबसे बड़ी चीज़ सर एज ए एक्टर लॉन्च करना, कोई नया हीरो जाके किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हो जिसकी सोलो फिल्में ना रिलीज हुई हों, तो बिलीव करना ये जिंदगी का सबसे बड़ा, कि किसी के ऊपर भरोसा करना, और आजकल के में देखते हैं धोखाधड़ी कितनी करते हैं लोग, सारी चीज़ें करते हैं, तो जो फोर स्क्वायर ने ग्रुप ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है, उस भरोसे पे 100% नहीं 101% मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। अजय जी, कब तक आ जाएगी आपकी फिल्म थिएटर्स में दर्शकों के बीच मैं तेरा लाडला? सर प्रयास तो है कि मैं इसको मार्च में रिलीज करूँ, होली में हम लोग प्लानिंग करेंगे, होली अब डेट तो मुझे पता नहीं, लेकिन मार्च में ही शायद होली है ना, थिएटर हम लोग होली पर आ सकते जी हाँ, थिएटर होली पे आ सकती है ये पिक्चर, थिएटर हम लोग रिलीज करेंगे होली पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी तहे दिल से, आप लोगों ने अपना समय निकाला, और मैं दर्शकों को जरूर बोलूंगा आप लोगों के माध्यम से कि जब भी ये पिक्चर आए तो पूरी फैमिली के साथ आप थिएटर देखने जरूर जाइएगा, क्योंकि आप लोग ही एक स्टार बनाते हो, और जब कोई भी नया कमर खड़ा होता है आप लोग अगर चाहोगे तो वो स्टार बनता है, तो थैंक यू, लव यू ऑल।